प्रक्रिया निशांत। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को और माननीय मंत्री जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं कि इतने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इतनी लंबी चर्चा की। मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने कहा कि विपक्ष जब चर्चा नहीं होती है तो ये मांग उठाता है चर्चा नहीं कर रहे हैं, और जब इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर बहस होती है तो कहते इतनी लंबी चर्चा क्यों करें, ये आश्चर्यजनक बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अध्यक्ष जी उत्तराखंड राज्य की ओर लाना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड पूरे देश ने पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1991 में भारी भूकंप की त्रासदी से उत्तरकाशी, चमोली जैसे और रुद्रप्रयाग जैसे जनपदों में हजारों लोग मरे थे, और उसके बाद 1998 में जो ये मालपा का प्रकरण हुआ था, उस मालपा के प्रकरण में देश के 14 राज्यों के दर्जनों लोग हताहत हुए थे। अध्यक्ष जी, अभी गत वर्ष जो केदारनाथ की त्रासदी आई उसमें देश के 24 राज्यों के 20,000 से भी अधिक लोग हताहत हुए, हजारों लोगों का तो अभी तक भी पता नहीं चल रहा है, सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए, सैकड़ों परिवार खाक में मिल गए, लाखों लोग आज भी चौराहे पर खड़े हैं। अध्यक्ष जी, ये क्षेत्र वो है जो 65% से भी अधिक वन क्षेत्र है, पूरे देश के पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं देश के पर्यावरण की पहली पाठशाला है उत्तराखंड, और इसलिए वो सामरिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है। चीन की लगभग 350 किलोमीटर और नेपाल की 263 किलोमीटर की लंबी सीमाओं से जुड़ा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर ध्यान देने की नितांत जरूरत है। अध्यक्ष जी, जो गांव बर्बाद हो गए आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ, लोग आज भी खुले आसमान के नीचे हैं, लोग दर-दर भटक रहे हैं, आर्थिक तंत्र इतना खराब हो गया कि जिन लोगों के खेत खलियान मकान सब बर्बाद हो गए वो आज चौराहे पर खड़े हैं, उनकी आर्थिकी बहुत ऐसी स्थिति में है कि भुखमरी के कगार पर है। वहां दूसरी ओर जो ये अतिवृष्टि से जो क्षति हो रही है, हम शुरू से मांग करते रहे हैं कि डॉपलर रडार यदि होता तो 5 घंटे कम से कम पहले ये पता चल जाता है कि अमुक स्थान पर इतनी क्षमता वाला बादल फटेगा जो कितनी क्षति कर सकता है, लेकिन हमको रडार नहीं मिला। मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उत्तराखंड को डॉपलर रडार देना सुनिश्चित किया और उसका सर्वे भी हो रहा है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं हरिद्वार से चुनकर के आता हूं, हरिद्वार गंगा का तट है, जब ऊपर से नदियां उभरती हुई निकलती हैं तो हरिद्वार के लक्सर और हरिद्वार के दोनों तहसीलों के दर्जनों दर्जनों गांव पानी से डूब जाते हैं, उनकी फसल नष्ट हो जाती है। पिछले 3 साल से लगातार वहां का गन्ना किसान चौराहे पर खड़ा है, वो उसकी गन्ना की खेती पूरी नष्ट हो गई। इसलिए मैं 2-3 निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमको ये डॉपलर रडार मिलना चाहिए उत्तराखंड को, वहीं अध्यक्ष जी एनडीआरएफ की जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स है इसकी कई कंपनियां भी उस क्षेत्र में होनी चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए ग्रीन बोनस जरूरी है, वो जो वनों का संरक्षण उसके कारण ये असंतुलन हो रहा है, इसलिए कहीं अतिवर्षा होती है तो कहीं सूखा पड़ रहा है, इसका संतुलन भी बहुत जरूरी है। और इसलिए जो गंगा का तटाव हो रहा है वो गंगा के तटबंध टूटने से गांव डूब रहे हैं, हरिद्वार तो बहुत बर्बाद हो गया है, ऊपर की जो नदियां हैं ऊपर उफान आने से उसमें रेता जो बस जाता है उसका समय समय पर चुगान भी बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जहां गांव का पुनर्वास होना चाहिए वहीं पर जो किसान ऋण लेकर के अपना किसी तरीके से परिवार का पालन करता था आज वो चौराहे पर बर्बाद हो गया, बैंकों से आरसी जा रहे हैं, अब वो बाहर रहने की बजाय वो जेल के अंदर जाएगा, लोग ये कहते इससे अच्छा हम भी मर जाते उस त्रासदी में तो अच्छा है, अच्छा ही था। इसलिए वो सारे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बननी चाहिए, क्योंकि वो देश की आध्यात्म की नहीं पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है और देश की संस्कृति का प्राण है। गंगा को भी बचाना है तो वहां लोगों को भी बचाना है, और इसलिए जो तटबंध समय समय पर टूट रहे हैं इन तटबंधों को बनाए जाने की बहुत जरूरत है। मैं उन किसानों को और जो नौजवान हैं
जो पलायन की दृष्टि से जिनको रोकना बहुत जरूरी है, और यदि वो पलायन नहीं रुकेगा तो राष्ट्र के लिए संकट पैदा होगा। वो चेत जवानों को देता है, वो जवानी भी देता है, पानी भी देता है, प्राणवायु भी देता है। और इसलिए मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं कि उस चेत की रक्षा के लिए एक अलग से महत्वाकांक्षी योजना होनी चाहिए, ताकि अतिवृष्टि से लोगों को बचाया जा सके, उनको पुनर्वास किया जा सके, बेरोजगारी दूर की जा सके और वहां के खेत खलियान और मकानों की रक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।